गुड मॉर्निंग बच्चों, मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया था। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले याद करना था, ठीक है? तो उस फार्मूले पे बेस्ड कुछ और आइडेंटिटीज होती हैं, वो हमको प्रूफ करना है, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्रूफ करना आना चाहिए और उनको फिर रिमेम्बर करेंगे, याद भी करेंगे, ठीक है? सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है वो फार्मूला को याद होना चाहिए, ठीक है? वो फार्मूला याद होगा तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। सो जस्ट लेट मी राइट दोस फार्मूले, बिकॉज विदाउट दोस फार्मूला यू कांट मूव अहेड, राइट? आगे बढ़ने के लिए अपन को फार्मूला जरूरी है। तो फार्मूला अपन लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन माय लास्ट सेशन, ओके? नाउ साइन थीटा अपोजिट वन अपॉन कॉसेक थीटा अपोजिट ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा, और टेन थीटा अपोजिट cot theta means tan theta equal to 1 upon cot theta, ठीक है? ये फॉर्मूले ऑलरेडी अपन जानते हैं। वन मोर थिंग वी नो इज दैट, वी नो दैट h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? अब देखो जो आइडेंटिटी हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट हमको प्रूफ करना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फर्स्ट वी हैव टू प्रूफ दिस वन, ओके? सेकेंड हम प्रूफ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये सब फॉर्मूले हैं जो हमको प्रूफ करना है, ठीक है? दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वन टू थ्री, थर्ड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके? वन टू थ्री, एंड द फोर्थ वन इज फोर्थ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो याद होना चाहिए, लेकिन अभी याद नहीं है। पहले हमको इतने फॉर्मूले याद हैं, ओके? बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी विल प्रूव दीज आइडेंटिटीज, इनको प्रूफ करेंगे। फर्स्ट अपन करते हैं प्रूफ वन, ठीक है? प्रूफ वन, लेट्स स्टार्ट विथ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, अपन को प्रूफ करना है, ठीक है? तो अपन लिखते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है? अपन यहां लिखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज अपन को मालूम है, ठीक है? अपन पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी को प्रूफ करना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपन जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू वीरो है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अब ये तुम लोग को याद होनी चाहिए पी अपॉन एच, ओके? जानते हो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट अपॉन, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है? ये देखो रुकिए, यू विल सी साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, ओके? सो आई हैव पुट हियर साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक है? अब इसको फिर से सॉल्व करना, इक्वल टू व्हाट?
इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देखो डिवाइड करते हैं अपन दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये क्या है अपॉन माने डिवाइड, एक्चुअली अपॉन माने क्या है डिवाइड है, ठीक है। तो पी अपॉन एच डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किए हैं ये, तो डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, मीन्स एक्चुअली क्या है, इसको रफ में समझ सकते हो ये क्या है, पी अपॉन एच, अपन यहां पे रफ में लिख रहे हैं पी अपॉन एच, ये डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच, डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये साइन थीटा ऊपर पी अपॉन एच और ये बी अपॉन एच, डिवाइड का जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एच जो नीचे ऊपर चला जाते हैं, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, यानी ये क्या हो गया पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, मीन्स ये क्या हो जाएगा P अपन H जो अपन है जब ऊपर जाता है तो ये B अपन H क्या हो जाता है H अपन B, ये हो जाएगा इंटू H अपन B, ओके P अपन H इंटू H अपन B, नीचे का H और ऊपर का H, यू कैन कट इट, H H कट गया, इक्वल टू क्या बचा ये P अपन B, P अपन B, ओके। नाउ टेल मी P upon B क्या होता है, बताओ P upon B क्या होता है, इक्वल टू व्हाट, लुक हियर P upon B, यहां पे देखो P upon क्या है, B क्या है tan theta, tan theta इक्वल टू P upon B, तो P upon B को अपन क्या लिख सकते हैं tan theta, ओके P upon B इन प्लेस ऑफ P upon B वी कैन राइट tan theta, सो sin theta upon cos theta अपन सॉल्व किए क्या गया tan theta, so we have proved this formula, hence sin theta upon cos theta equal to tan theta, sin theta upon cos theta equal to tan theta, okay, first formula ये proof हो गया, ठीक है। अब अपन को proof करना है next formula, okay, done this one, look here, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं अपन, डिवाइड इट बाई एच स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, मीन्स एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इसको लिखते हैं डिवाइड बाई एच स्क्वायर बोथ साइड, देखते हैं अपन इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी एच से डिवाइड करेंगे, मीन्स ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ओके। तो इसमें अपन क्या किए, वी डिवाइड बोथ साइड बाई एच स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू वन, ये तो क्या हो गया दिस इज वन, ओके दिस इज वन, what is this, this one is p square upon h square, so p square upon h square means p upon h whole square, this is p upon h whole square plus b upon h whole square, okay, now tell me what we are getting, one is one, no problem, just write it as it is. Now what about this one, p upon h, kya hota hai p upon h, this is sin theta, look here p upon h is sin theta, yahan pe dekho p upon kya hai h sin theta, to ye sin theta hai aur a square means sin square theta, it is sin square theta, yahan pe hum kya likhenge sin square theta, similarly you can see that here b upon h, b upon h means this is cos theta, so this is cos square theta,
cos square. Okay, so what we have got? Sin square theta plus cos square theta equal to 1. It means sin square theta plus cos square theta equal to 1. Okay, ये अपन किससे डिवाइड किए थे? h स्क्वायर से. ठीक है, h स्क्वायर से अपन डिवाइड किए तो आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. वी हैव प्रूव दिस वन. ठीक है, सबसे पहले अपन इसको प्रूफ किए थे फिर इसको प्रूफ कर दिए. ठीक है, 1 2, वी हैव प्रूव दिस वन आल्सो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, इसको फिर से देखो, अगेन लुक हियर. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट दिस वन. इसको फिर से रिवाइज करके बार बार देखो. ठीक है, सब समझ में आएगा. नाउ नेक्स्ट, ये हो गया है. देखो, वी हैव प्रूव दिस वन. इन दोनों को प्रूफ करना है, एक साथ प्रूफ करते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं करते हैं, एक साथ करते हैं. एक बार में आई एम सॉल्विंग बोथ क्वेश्चंस एट वंस. एक बार में देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है. अभी क्या देखे, वी हैव सीन दैट एच स्क्वायर इक्वल टू P square plus B square. Just put line here, divide it. इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या किए थे, डिवाइड बाई एच स्क्वायर बोथ साइड. H square से डिवाइड किए थे दोनों तरफ. अब H से हो गया, एक बार P से डिवाइड करते हैं. ठीक है, अपन क्या करते हैं, डिवाइड बाई P square बोथ साइड. अब इसको लिखते हैं डिवाइड बाई P square बोथ साइड. तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. ओके, अपन क्या किए, फर्स्ट एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे, अब किससे डिवाइड किए, इससे डिवाइड किए थे, अब डिवाइड कर रहे हैं पी स्क्वायर से. ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. सेकंड, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये देखो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कट जाएगा. ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर से कट गया, क्या बचा, 1. ओके, दिस इज एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर मींस एच अपॉन पी होल स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर मीन्स एच अपॉन पी होल स्क्वायर, ये कट गया है 1 है, प्लस दिस वन बी अपॉन पी होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज बी अपॉन पी होल स्क्वायर. अगेन लुक हियर, फॉर्मूले देखो, सॉरी देखो फॉर्मूला, एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी, दिस वन इज कोसेक थीटा, एच अपॉन पी कोसेक थीटा. यहां पे देखो लिखा होगा एच अपॉन पी, तो पी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन पी अपॉन एच इज साइन थीटा, सो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो गया. और ये स्क्वायर है तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा. एच अपॉन पी मींस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी. बी अपॉन पी क्या होता है, B upon P में this one cot square theta. Okay, means 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. It indicates that 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. You can see 1 plus cot square theta equal to cosec square. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट अपन को ये प्रूफ करना है. अगेन वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कैन यू गेस अब क्या करेंगे, बताओ, गेस करो क्या करेंगे अब, कैन यू टेल मी. अपन दो सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, अब इसको सॉल्व, इसको सॉल्व कर चुके हैं. नाउ वी टू सॉल्व थर्ड वन. फर्स्ट के लिए एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे, सेकेंड टाइम अपन पी स्क्वायर से डिवाइड किए थे, अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. ठीक है,
तीनों के लिए सेम मेथड है, एक बार ऐसे डिवाइड कर लो, एक बार इससे डिवाइड कर लो, एक बार इससे डिवाइड कर लो। तो अभी अपन करेंगे डिवाइड बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। जस्ट राइट हियर डिवाइड बाय बोथ बोथ साइड, डिवाइड बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइड बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, ओके। देखो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बी स्क्वायर। तो यहां अपॉन बी स्क्वायर की ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। मीन्स एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अपन डिवाइड किया डिवाइड बाई बी स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये वन, ठीक है, बी भी कट जाएगा, बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर वन। नाउ ये क्या है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी होल स्क्वायर, दिस इज एच अपॉन बी होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ क्या होता है, अगेन एच अपॉन बी इज सेक स्क्वायर थीटा, ओके, एच अपॉन बी होता है सेक थीटा, एच अपॉन बी इज सेक थीटा, ठीक है। तो एच अपॉन बी सेक थीटा होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस वन पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या होता है, ये देखो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा, सो दिस इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, सो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, वी कैन राइट वन सेक, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वी कैन राइट इट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने तीनों सॉल्व कर लिया, ये है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वी हैव सॉल्व दिस वन आल्सो, वी हैव सॉल्व इस वन आल्सो, ठीक है। मींस ये तीनों एक ही तरीके से सॉल्व किए हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिखे और पाइथागोरस थ्योरम को एक बार डिवाइड किए एच स्क्वायर से, देन पी स्क्वायर से, एंड देन बी स्क्वायर से, सो वी हैव प्रूव्ड ऑल दीज फॉर्मूले। नाउ इट्स होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, लुक हियर, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा फर्स्ट वन, एंड बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसके लिए हिंट, यू हैव सीन माय लास्ट सेशन देखियो तभी बनेगा, ठीक है। इफ यू हैव नॉट लर्न्ड माय लास्ट सेशन, दिस इज माय लेक्चर टू, ये लेक्चर टू है, लेक्चर वन अगर ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखे हो तो उसको जरूर देख लो, पहले लेक्चर टू को देखो, फिर लेक्चर पहले लेक्चर वन को देखना, फिर लेक्चर टू को देखना, ठीक है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, मींस परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनियस 13 है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मालूम है अपन को राइट एंगल ट्रायंगल में, तो फार्मूला लगा देंगे अपन, पी और एच मालूम है तो बेस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, यू कैन सी माय लेक्चर 1, दिस इज लेक्चर 2, ओके, यू कैन वॉच माय लेक्चर 1, हाउ विल यू फाइंड बेस, हियर P अपॉन एच, वी नो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो इससे बेस निकाल लेना, और बेस निकालने के बाद ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट, तो साइन दिया है बाकी सारे तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये निकालो, और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई टेल यू अगेन एंड अगेन कि ये जो फार्मूले है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और ये अभी तो प्रूफ करोगे लेकिन ये याद होना चाहिए, ठीक है। मींस अभी हम अपने पास ये और फार्मूले हो गए, एक ये फार्मूला हो गया
okay, sin theta upon cos theta equal to tan theta, and these three formulas, okay. अभी प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद तुमको याद करना है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, ठीक है, क्योंकि याद करोगे तभी आगे बनेगा, आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये केवल अभी के ऊपर क्या लिखा है, फॉर्मूले हैं, ये बहुत बिगिनर्स, एकदम बिगनिंग है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग है, ये केवल फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले याद करोगे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डू इट प्रॉपरली, ओके, लर्न दिस सेशन एंड लर्न द लेक्चर वन ऑल्सो अगेन एंड अगेन, बार बार देखो, और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक।